हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है, दिल से स्वागत है भाइयों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है आईटीआई स्टूडेंटों के लिए, सभी भाइयों के लिए। मैं आज मतलब जो जो हमारे घर में घड़ी होती है ना, घड़ी ये कैसे वर्क करते हैं, मतलब ये कैसे काम करते हैं, बहुत से मतलब आईटीआई वालों के मन बंदे वालों के मतलब दिमाग में ख्याल आता होगा, मतलब कैसे ये जो वॉच थी मतलब कैसे वर्किंग करती है, इसके टाइम दिखाने का जो पूरी प्रोग्रेस होती है, इसके मतलब जो गियर होते हैं इसके अंदर, मतलब ये कैसे वर्क करते हैं, आज की वीडियो में बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, खोल के पूरे हर एक चीज़ की नॉलेज बताने वाला हूँ कैसे वर्क करती अंदर से। बाकी हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल पहली बार आई तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल के होने वाली है, बहुत ज़्यादा मतलब आप सीखोगे मतलब ये कैसे वर्क करते हैं। चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो तो भाई, ये जो आईटीआई स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मैं आज मतलब जो घड़ी होती है ना वो चीज़ कैसे काम करती है, आज इसको इंसाइड करके मतलब पूरी को हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को खोल कर मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, मतलब ये कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो जो ये घड़ी की बॉडी है ना, पूरी बॉडी के ऊपर जो स्क्रू दिए गए हैं ना, जो मशीन के ऊपर जो कवर लगाया गया है, जो सेल जो 1.7 वोल्ट का सेल लगता है, इसमें जो सेल का वो पूरा कवर में स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल रहा हूँ। 3 स्क्रू दिए गए हैं, ये खोल लिया है मैंने, आपके सामने देख ही सकते हो। इसके बाद में एक सेल लगता है, जिस सेल की वोल्ट होता है मतलब 1 वोल्ट 7 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट 7 वोल्ट का होता है, वो एक सेल से बहुत ही अच्छे तरीके से घड़ी राउंड करती है, मतलब जो इसकी मोटर है ना, छोटी सी मोटर, वो अच्छे से वर्क कर जाती है, मतलब 6-7 महीने ये वो चल जाती है एक सेल से, मतलब बहुत ही छोटी मोटर होती है उसमें। आपको अभी मोटर भी दिखाऊंगा, ये कैसे मतलब किस प्रकार के मोटर होती हैं, आपको हर एक चीज डिटेल में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आज आप देख सकते हो जो मैंने वॉच का जो मिनर होता है ना, मिनर जो कांच होता है, कांच के मैंने 4 स्क्रू खोल लिए हैं, कांच हमारा पूरा ही आ चुका है, कांच नॉर्मल होता है आपको भी पता है। इसके बाद में जो मिनर हालांकि मैं तो पूरी डिटेल में आज बताने वाला हूँ, तो हर एक चीज आपको मैं आप जानते हो ना वो भी बताऊंगा मैं आज आपको। इसके बाद में जो छोटी और बड़ी पे मतलब 3 सुई होती है ना, जो एक तो सेकेंड, एक मिनट, एक हावर मतलब घंटा होती है, जिसमें मतलब 3 सुई दी गई, वो से में अलार्म वाली छोटी घड़ी होती है ना, उसमें 4 सुई दी गई होती है, मतलब एक अलार्म की होती है। देख सकते हो मैंने जो पूरी सुई है ना, 3 सुई खोल दी है मैंने, मतलब पूरी जो इसके जो ये बॉडी है ना, बॉडी के ऊपर ये एक मतलब नॉर्मल सी काउंटिंग की गई है, 1 से लगा के 12 तक हर एक चीज मतलब बारीक से समझाने वाला हूँ मैं आपको, छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, बस आप जानते हो ना फिर भी बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत से भाई भी नहीं जानते इस चीज को, मतलब कैसे वर्क करते हैं, नहीं ले आते हैं, सेल डालते खराब होते फेंक देते इसको, मतलब बहुत से नहीं जानते इसके अंदर होता क्या है। अब इसके बाद में जो मैंने जो वो घड़ी का जो मेन बॉडी है ना, बॉडी पूरी खोल दी है, जो इसकी जो मशीन है ना मेन मतलब वॉच की मशीन, वो आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डेमो चेक करा देता हूँ, ये चल रही है आपके सामने नई मतलब जो घड़ी की मशीन, वो आपके सामने दिखाऊंगा लाइव कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो जो इसकी जो मतलब ये पूरी सील है ना, इसको मतलब हटा देना है, इसके बाद में जो बॉडी है ना इसको खोल लेना है, मैं बहुत ही सावधान इसके साथ खोल रहा हूँ, मतलब ये अभी वॉच जो मशीन है ना पूरी ये चालू है, ये खोल ली है मैंने, आपके सामने देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। जो ये रेड कलर के आपको गियर दिखते ना, ये गियर जो टाइम बाहर से टाइम सेट करते हैं ना हम, इसको घुमा के इस प्रकार की गियर होती है अंदर से, आप देख सकते हो। जिसके बाद में जो ये सबसे बड़ी मतलब जो ये सेकंड पर चलती है ना, ये सेकंड वाली सुई होती है जो सबसे बड़ी मतलब सबसे ऊपर होती है, ये सेकंड वाली सुई। इसके बाद में जो सेकंड के बाद में जो ये मिनट वाली सुई होती है ना, मिनट वाली सुई कुछ इस प्रकार की होती है, ये बहुत ही छोटी गियर होती है, इसमें 3 गियर ऊपर नीचे बीच में मतलब 3 गियर पर चलती है ये वाली गियर। इसके बाद में जो ये दूसरी जो मेन हमारी जो मतलब हवर बताती है ना, हवर सबसे नीचे रहती है वो वाली मतलब गियर भी बोल सकते हैं या पुली भी बोल सकते हैं आप, मैं तो मतलब गियर ही बोलता हूँ इसको, मतलब हालांकि इसको प्रॉपर नाम तो गियर ही है इसका, ये है मतलब जो मेन मतलब जो हवर बताती है, घंटे मतलब घंटा टाइम मिनट सेकंड बताती है ये है। इसके बाद में ये वाली मतलब जो ये मिनट बताती है ये वाली गियर बताती है, मतलब ये 2 गियर में डिवाइड होती है, ये दोनों गियर मिलके सेकंड को जनरेट करती हैं। इसके बाद में जो ये मेन मतलब जो इसको पावर सप्लाई देते हैं ना, जो पूरी वो घड़ी की मशीन को, कुछ इस प्रकार की होती है गियर, आप देख सकते हो।
अब जो पावर सप्लाई देने की बोर्ड की बात में जो ये मेन प्लस और माइनस का पॉइंट होता है, जिसके एक पॉइंट से वो वोल्ट का सेल लगता है, छोटा सा सेल लगता है ये यहाँ पर और यहाँ पर, कुछ इस प्रकार के दोनों टर्मिनल मिलके यहाँ पर सप्लाई देती है। दोनों जो पिन पिन है, पिन की तरह आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों पिनों में मतलब सप्लाई देते हैं। आप मतलब बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, जो आपको लाइव डेमो, जो इसको पूरी हर चीज को वापस फिट करके मैं आपको लाइव इसको खोल के हर चीज को दिखाने वाला हूँ, चला के दिखाने वाला हूँ आपके सामने, लाइव इसको खोल कर चलाने दिखाने, मतलब कैसे वर्क करती है आपके सामने हर एक चीज दिखाने वाला हूँ मैं। देख सकते हो छोटी सी गियर, ये है इसके मेन जो मोटर है ना, मोटर की मैग्नेट है, ये मैग्नेट के ऊपर छोटी सी गियर लगाई गई है। इसके बाद में जो ये मोटर के जो ये कॉपर का वायर वाइंडिंग किया गया है, मतलब इसकी मदद से रोटेट करते हैं। जो आपने छोटी मोटर में देखा होगा तो वाइंडिंग कॉपर की वाइंडिंग होते ही मतलब गोल गोल होती है, सेम वैसे ही इसमें वाइंडिंग की गई है। इसके बाद में छोटा सा इसमें कैपेसिटर लगाया गया है, इसकी मदद से मतलब राउंड करते हैं। कैपेसिटर की मदद से मतलब जो छोटा सा मतलब बहुत ही लंबी टाइम तक ही वो चलती है, ताकि सेल जल्दी से खत्म ना हो। इसके बाद में सेल आपके सेल मैंने डाल दिया है इसके सामने, आपको लाइव दिखा देता हूँ। देख सकते हो जो छोटी सी गियर आपको सबसे फर्स्ट में दिखाई थी ना मैंने आपको, छोटी सी जो मोटर कनेक्ट करते हैं वो कुछ इस प्रकार से वर्क करती है। आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे वर्क करती है। देख सकते हो जो छोटी गियर आपके सामने कुछ इस प्रकार के वर्क कर, पूरी गियर कुछ इस प्रकार से राउंड करती है। आपके सामने पूरा हर चीज दिखा रहा हूं मैं। बस आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल वो पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस वीडियो पे साइंस प्रोजेक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट की वीडियो लाता रहता हूँ, मतलब कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल पर। बाकी यूट्यूब चैनल आपको पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप भी वीडियो तो कहाँ से देखते हो, आपका नाम और आपका गांव का नाम जरूर लिखना, ताकि ये मालूम पड़े मेरी वीडियो वहां वहां तक जाती है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।